झारखंड के सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। झारखंड का जैसे कि रिस्पॉन्स सीट आप तक पहुंच चुकी है और रिस्पॉन्स सीट आप लोगों ने डाउनलोड भी कर ली है। सभी ने अपने अपने मैसेजेस और कॉल के द्वारा हमें इन्फॉर्म भी किया है कि सर हमारी जो रिस्पॉन्स सीट है वो सर हमें मिल गई है। तो बेटर होगा कि हम अपनी रिस्पॉन्स सीट पर अब भरोसा करें, और भरोसा करने के बाद जैसा कि मैंने भी आपको बोला था कि रिस्पॉन्स सीट के कारण आप लोग परेशान थे और मैं लगातार आपसे यही कह रहा था कि रिस्पॉन्स सीट लेट आएगी लेकिन आपको मिलेगी, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये मेरा कहना है कि रिस्पॉन्स सीट के द्वारा हम लोग किस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको अपने मार्क्स की जानकारी मिल गई है, आपको लगने लगा है कि मैं सिलेक्टेड हूं या नहीं हूं, आभास आपको ऑलरेडी होगा। कट ऑफ के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं और उम्मीद है कट ऑफ उन्हीं के बीच रहनी चाहिए अब आप। लेकिन अब इसकी और गुणवत्ता को बताने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए कि आखिरकार क्या संभावनाएं हो सकती है। देखिए 100% कट ऑफ तो जानकारी बहुत मुश्किल है क्योंकि वेरिएशन यहां पर दो तीन आ रहे हैं। वो वेरिएशन ये हो रहे हैं कि एक तो सेम स्टेट के लोग हैं उनमें फाइट है, सेम स्टेट के बाद सेम नंबर पर झारखंड स्टेट और अदर स्टेट का बच्चा बैठा हुआ है, जिन दोनों के नंबर समान है उस पे भी फाइट है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि एक तो झारखंड का बच्चा हाई नंबर प्राप्त कर रहा है, ज्यादा प्राप्त कर रहा है, और तो झारखंड वाले से पहले वो फाइट करे, उसके बाद अगर वो अदर स्टेट से ज्यादा प्राप्त कर रहा है तो अदर स्टेट में भी फाइट कर रहा है वो। अब इसका उल्टा भी संभव है कि अदर स्टेट का बच्चा झारखंड की स्टेट से ज्यादा नंबर ला रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली उसको एक तो वो जनरल में फाइट करेगा, पहली बात तो ये हो गई, और फिर वो झारखंड में भी फाइट करेगा, दूसरी बात भी हो गई है। इस तरीके से बहुत ज्यादा वेरिएशन है। जब मेरिट बनती है तो इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है। केवल एक तरफा सोचने से मेरिट में आपको लगने लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा और कभी कभी संभावनाओं से आप खड़े नहीं उतर पाते हैं, तो ये दिक्कत आपके साथ तो रहेगी। तो अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे ये निश्चित है, जनरल की सीटें कितनी है वो भी निश्चित है। तो इसका मतलब है पहले तो अपने आप को जनरल में हाई लाना पड़ेगा अदर स्टेट वालों को झारखंड की अपेक्षा। सेम वाले नंबर वाले में आप अपने आप को, जैसे झारखंड वाले के भी वही नंबर है जो आपके हैं, तो फिर आप क्लेम करने के उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे क्योंकि फिर वो अपने स्टेट को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। दूसरी चीज आपको ये भी बताता हूं, अगर आपके उनके स्टेट से नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो 100% आप उन्हें बीट कर रहे हैं, ये भी निश्चित है। अब इन सब चीजों का क्या, कैसे निकालें हम लोग, कैसे हमें आइडिया लगे कि EWS कहां पे जा रहा है, कहां पर OBC जा रहा है, कहां पर SC जा रहा है, कहां पर ST जा रहा है और कहां पर जनरल कैटेगरी जा रही है। इन सब का अनुमान के लिए ऑल ओवर इंडिया में जिन लोगों ने, देखो एक चीज आपको और बताएं, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी एक डाउट चल रहा है कि केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट निकल गया, बिहार का रिजल्ट निकल गया, नवोदय का रिजल्ट निकल गया, क्या इनसे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा? तो अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि अभी उन्हें कैसे पता लगेगा कि तुमने जॉब छोड़ दी, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, तुम लीव कर रहे हो, ये तो बाद में आएगा ना। पहले तो वो फेयर मेरिट बनाएंगे, उस मेरिट में अगर नंबर ऑफ सीट के अकॉर्डिंग जो बच्चे ऊपर से लीव करते चले जाएंगे तो नीचे से बच्चे वेटिंग में उठाएंगे वो लोग, ठीक है। मान लीजिए कि उन्होंने 97 बच्चा ठीक सेलेक्ट किया और 97 में से मान लेते हैं कि जो है करीब 20 बच्चा नवोदय और KVS में चला गया, बिहार में चला गया, जिसने भरा था उसने नौकरी ज्वाइन कर ली, तो इसका मतलब है अब वो 20 मेरिट जब भागेगी तो बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ेगा। यानी कि 4 से 5 नंबर का वेरिएशन आ सकता है, 4 नंबर का वेरिएशन मैं मान रहा हूं कि संभावनाएं 4 नंबर में बन सकती हैं। और अगर उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ होगा, मान लीजिए झारखंड में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर उनका KVS नवोदय में कहीं हो गया, तो फिर तो वो मेरिट को डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट में गिनती उनकी नहीं है।
तो इन चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये सब फैक्टर हैं जो आपके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं बनेंगे। जैसे आपको लगता हो यार बहुत सारे बच्चे उधर भी हो गए होंगे, तो मान लो उधर हो गए, झारखंड में हो ही नहीं पाए तो मेरिट को इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन झारखंड में अगर हो गए और वो नवोदय में भी हो गए तो मेरिट इफेक्ट जरूर कर देंगे, 100% श्योर है। इन सबका सॉल्यूशन निकालने का मैंने एक बेस्ट तरीका ये निकाला है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म डाल दिया है। अब गूगल फॉर्म में मैंने कैटेगरीज बना दी है कि 140 से अबव किसके हैं, 135 से 139 या 36 के बीच कितने, मैंने बहुत सारे कॉलम पॉइंट बना दिए, उन सबको आप जिस कैटेगरी जिसको फिलअप करना चाहते हो, मैंने जिस कैटेगरी में डाल दी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये कैटेगरी मैंने डाली है। इसके बाद नीचे कॉलम खाली भी छोड़ा है जिसमें अगर आप कुछ लिखने के मूड बनाते हो उसमें अदर में लिख भी सकते हैं आप। तो इन सब चीजों को आप फिलअप करिए और फिलअप करने के बाद गूगल फॉर्म हमारे पास भेज दीजिए। तो उम्मीद है मैं कल आपको इसकी रिस्पॉन्स सीट के अकॉर्डिंग आपके जवाब आपको दे पाऊं। यानी अभी मैं आपसे कह दूं कि कट ऑफ इतनी बनेगी, ये सब बातें आपको हताश न करने पाए, आपका जो दिल है वो कहीं से कहीं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स न फेस करने पाए। इन सब चीजों को मैं ये सोच करके कर रहा हूं कि पहले आप मुझे रिस्पॉन्स आज रात तक फटाफट जितने हो जाएं, 100-200, अगर 100 में मुझे रिस्पॉन्स मिल गए तो मैं एवरेज निकाल लूंगा, 200 रिस्पॉन्स मिल गए तो एवरेज निकाल लूंगा। कल शाम को यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आप मुझे दे दीजिए, तो कल शाम तक के जितने रिस्पॉन्स आएंगे परसों मैं आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। रिजल्ट आने की संभावना अब जल्दी हो जाएगी, पता लगा रिजल्ट आ गया फिर थोड़ा ना रिस्पॉन्स सीट का कोई यूज नहीं रह जाएगा, तो इसलिए मैं आपसे यही सलाह दूंगा आपको कि फटाफट आप गूगल फॉर्म भरिए और हमें अपलोड कर दीजिए। हम अपनी मेल आईडी से आपको चेक कर लेंगे कि आप किस रेंज में हैं, और कोशिश ये करिएगा कि आप फिर भरिएगा। 1-2 नंबर आप ज्यादा कम भर के मेरिट घटाने बढ़ाने से बेटर है कि आप अगर अपनी एक्चुअल पोजीशन बता देंगे, क्योंकि आईने अगर अपने आईना में अपना चेहरा आप देखने की हिम्मत रखते हैं तो किसी कंपटीशन से लड़ने की हिम्मत भी आपके अंदर होगी। और उससे पहले आप सोचें कि मैं सर को गुमराह कर दूंगा, तो आप सर को गुमराह नहीं कर पाएंगे, आप अपने भविष्य को गुमराह करेंगे, आप अपने साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि आप क्षणिक तो दूसरे की वैल्यू घटा दोगे, क्षणिक दूसरा बेचारा 139 140 वाला तुमने लिख दिया सर मेरे 145 आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1-2 ऐसे काम करेंगे भी तो ये मान के चलो कि 1-2 से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप इसके भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करिएगा। अपने फेयर बात को अपने सही ढंग से लिख दीजिएगा, जिस रेंज में आप आ रहे हो तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा और हम सक्षम हो जाएंगे आपके उस एनालिसिस पर जो आप वास्तव में चाहते हैं। तो जल्दी करिए, देर नहीं करिए, समय कम है और रिजल्ट आपके सामने है, और आप अगर सक्षम होते हैं उसको क्वालिफाई करने में तो मुझे भी आनंद आएगा, और आपको जो अपार खुशी होगी उसका तो कोई अंदाजा है ही नहीं। तो झारखंड पर विशेष तभी मिल पाएगा आपको जब आप हमारी इस बात को मानेंगे और ये फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप करके हमें अपलोड करेंगे। तो मैं आपके फॉर्म का इंतजार कर रहा हूं और आप अपने रिजल्ट का इंतजार करिए, क्योंकि आपका रिजल्ट आपका भविष्य का निर्धारण जरूर करेगा। तो प्लीज डू इट फास्ट। थैंक यू।